नमस्कार दोस्तों, मैं परेश, पीबी न्यूज़ में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, व्हाट्सअप तो आप यूज़ करते हो, मैं यूज़ करता हूँ, पूरी दुनिया में जिनके पास स्मार्टफोन है वो सभी लोग व्हाट्सअप का यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है व्हाट्सअप एक्चुअली कितने पैसे कमाता है? मंथली, डेली अर्निंग उसकी कितनी है आपको पता है? ये किसी को पता नहीं है फ्रेंड्स, और मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि व्हाट्सअप की असल कमाई कहाँ से होती है और व्हाट्सअप एक्चुअली कमाता कितना है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी बनेगा, लेकिन ये वीडियो में सभी जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से मिलेगी फ्रेंड्स, और आपको पूरी जानकारी समझ आएगी इस टाइप में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। तो एक्चुअली व्हाट्सएप की अर्निंग कितनी है मैं आपको पहले बता देता हूं फ्रेंड्स। और एक्चुअली व्हाट्सएप जो अर्निंग करता है वो अर्निंग का सोर्स कहां से है? क्योंकि व्हाट्सएप हम यूज करते हैं तो व्हाट्सएप की सभी सर्विसेज जो हमें फ्री मिलती है फ्रेंड्स, हमें ओनली इंटरनेट का रिचार्ज करना पड़ता है। उसके लिए हमें इंटरनेट से प्रोवाइडर को पैसे मिलते हैं, व्हाट्सएप का उससे कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन जो व्हाट्सएप कमाई करता है उसका कमाई का एक्चुअल सोर्स कहां से और एक्चुअली व्हाट्सएप कहां से कमाता है, उसी के सिलसिले में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। आपको सभी जानकारी मैं फुल्ली प्रूफ के साथ दूंगा, इसके लिए आप वीडियो पूरा देखिए। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि व्हाट्सअप एक्चुअली कमाता कितना है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, व्हाट्सअप की डेली की अर्निंग लगभग 20 लाख रुपए डेली, मतलब एक दिन की व्हाट्सअप की डेली अर्निंग जो है उसकी 20 लाख रुपए उनकी कमाई है फ्रेंड्स एक दिन की। और जो उनकी मंथली कमाई है फ्रेंड्स वो 60 करोड़ रुपये है फ्रेंड्स। आपको हैरानी होगी जान के, लेकिन उनकी ये जो अर्निंग है ये सही है फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो अर्निंग है मैं खुद ऐसे डायरेक्टली हवे में बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कुछ रिसर्च किया है, मैंने बहुत ही यहाँ पे वेबसाइट पर सर्च किया, तब मुझे जाके कुछ ये मिला फ्रेंड्स कि एक्चुअली व्हाट्सएप की अर्निंग कितनी है। तो मैंने जब रिसर्च किया तो रिसर्च में आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, रिसर्च में मुझे ये मिला फ्रेंड्स कि एक्चुअली जो व्हाट्सएप की अर्निंग है वो डेली की 20 लाख रुपए उसकी अर्निंग है, और जो मंथली की उसकी अर्निंग है फ्रेंड्स वो 60 करोड़ रुपए उसकी मंथली की अर्निंग है फ्रेंड्स। तो लेकिन व्हाट्सएप कमाता कहां से फ्रेंड्स? क्योंकि हम जो व्हाट्सएप की सर्विसेज यूज करते हैं वो तो सभी फ्री होती है, उसके लिए हमें कुछ पैसे चुकाने नहीं पड़ते फ्रेंड्स। और जो इंटरनेट का हम रिचार्ज करते हैं उससे तो उनका कुछ फायदा नहीं होता, जो भी फायदा होता है वो प्रोवाइडर का होता है, जो हम इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं उनके पास ये सब कुछ पैसा जाता है। तो ये जो व्हाट्सअप है इस पर एडवर्टाइजमेंट भी नहीं आते फ्रेंड्स। आपने देखा होगा जो आप मैसेंजर अभी यूज़ करते होंगे, इंडिया का जो पॉपुलर मैसेंजर है हाइक करके, उस पर भी कुछ एडवर्टाइजमेंट नहीं आती, वो भी हमसे कुछ पैसा नहीं लेते यूज़ करने का। व्हाट्सअप का भी सेम कंडीशन है, वो भी हमसे कुछ भी एक रुपये भी नहीं लेता, और लेकिन हमें सभी सर्विसेज फ्री में देता है। और सभी सर्विसेज कुछ अलग अलग टाइप में सर्विसेज देता है, टाइम टू टाइम अपडेट देता है, सर्वर कभी उसका बंद नहीं पड़ता है, फुल्ली प्रूफ ये व्हाट्सअप की सर्विस चलती रहती है फ्रेंड। तो इनकी जो 20 लाख रुपये पर डे, मतलब एक दिन की 20 लाख कमाई फ्रेंड्स एक्चुअली होती कहां से, मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी इसमें दूंगा फ्रेंड। तो ये जो सिस्टम चलता है फ्रेंड्स, सभी सिस्टम, ये जो सभी कमाई होती है फ्रेंड्स, हम सभी से उनको पहुंचती है फ्रेंड्स। तो हमसे उनसे कैसे कमाई पहुंचती है मैं आपको पूरी बात बताता हूँ फ्रेंड। एक्चुअली होता क्या है फ्रेंड्स, हम अलग अलग कैटेगरीज के आदमी होते हैं। सपोज मैं स्टूडेंट हूँ या मैं यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, तो मुझे इंटरेस्ट किस में होगा? यूट्यूब के, मतलब अभी माइक कौन सा लेना चाहिए, यूट्यूब के लिए कैमरा कौन सा यूज़ करना चाहिए, यूट्यूब के लिए एप्लीकेशन यूज़ करना कौन सा करना चाहिए। तो मेरे जो दोस्त होंगे वो भी उसी से रिलेटेड दोस्त होंगे फ्रेंड्स, यूट्यूबर जो होंगे वो मेरे दोस्त होंगे। सपोज फ्रेंड्स आप स्टूडेंट होंगे तो स्टूडेंट ही आपके दोस्त होंगे। सपोज आपका, आप स्टूडेंट और आपके दोस्त, कोई ऐसा नहीं हो सकता कि आपका दोस्त कोई शेयर मार्केट में होगा, या आपका कोई बिजनेसमैन दोस्त होगा, या आपके दोस्त का कोई पेट्रोल पंप होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता दोस्त। आपके जो दोस्त होंगे वो सभी आपके रिलेटेड होंगे, यानी कि आपका जो दोस्त होगा वो भी स्टूडेंट ही होगा, वो भी कोई आपके एग्जाम ही देता होगा, आपके साथ ही रहता होगा, दिन भर आपकी बातचीत कुछ अलग टाइप में चलती होंगी। और दोस्तों होता क्या है, जब हम दोस्त होते हैं तो वो हम किसी एक ही टॉपिक पे बात करते रहते हैं। सपोज आप स्टूडेंट होंगे तो आप स्टूडेंट के रिलेटेड कुछ बात करेंगे कि एग्जाम का क्या है, इस एग्जाम में इस कौन से क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, इसमें सपोज हमें कौन सा पेन यूज़ करना चाहिए, कौन से पेपर यूज़ करना चाहिए, जो हमें रिलेटेड जो भी चीज़ें लगती है वो सभी हम उनसे एग्जाम से रिलेटेड हम किसी के साथ भी बातें करते रहते हैं, या स्कूल के रिलेटेड, कॉलेज के रिलेटेड हम सभी उसी के साथ बातें करते रहते हैं। तो व्हाट्सअप क्या करता है, हम किसी के साथ चैटिंग करते हैं, स्टेटस रखते हैं व्हाट्सअप पर। सपोज हमने एग्जाम टाइम कुछ भी अलग अलग टाइप के आप स्टेटस रखते हो व्हाट्सएप पे, कुछ भी आप दोस्तों के साथ बात करते हो, तो आपको क्या करता है व्हाट्सएप जो है उनके डेटाबेस में एक स्टूडेंट की कैटेगरीज में आपको ऐड कर देता है। मतलब वो समझ जाता है कि ये बंदा जो है स्टूडेंट है, या उसका मतलब बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है, तो आपको कुछ अलग कैटेगरी में व्हाट्सएप के डेटाबेस में कन्वर्ट किया जाएगा। और आपको उसी के रिलेटेड सपोज कुछ भी देना होगा, व्हाट्सएप को कुछ भी करना होगा, तो आपको उसी से रिलेटेड आप उसमें बात करते होंगे। स्टूडेंट होंगे तो आप स्टूडेंट के रिलेटेड ही बात करोगे। सपोज आप
कभी बात नहीं करोगे आपके दोस्त के साथ कि भाई शेयर मार्केटिंग का क्या हो रहा है, शेयर मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, आप ऐसी बातें कभी नहीं करोगे, और कर भी ली तो एक आध बार करेगा। इससे वो व्हाट्सअप को कुछ लेना नहीं लेना देना नहीं पड़ता, वो कभी उस पर फोकस नहीं करेगा। लेकिन आप बार बार दिन में वही एक बात करते जा रहे हो, एक ही दोस्त से वही बातें करते जा रहे हो, आपके दोस्तों के साथ वही ग्रुप में भी वही आप शेयर करते जा रहे हो, तो व्हाट्सअप क्या करता है, आपकी एक कैटेगरी बना देता है और अलग कैटेगरी में आपको ऐड कर देता है फ्रेंड्स। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे व्हाट्सअप के डाटाबेस में कैटेगरीज बन जाती है। तो ये क्या करता है फ्रेंड्स, व्हाट्सअप रहा, हाइक रहा, तो ये क्या करती है, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियल कंपनी होती है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो उनको ये सब जो डाटाबेस है फ्रेंड्स उनको बेच देता है। यानी कि सपोज फ्रेंड्स आप स्टूडेंट होंगे तो स्टूडेंट का भी स्टेशनरी का कोई प्रॉब्लम, मतलब स्टेशनरी की कोई कंपनी होगी तो उनको स्टूडेंट का सब जो डेटा होगा वो सब कुछ उनको बेच दिया जाएगा। फिर क्या होगा फ्रेंड्स, आप जब भी कभी व्हाट्सअप, फेसबुक, मैसेंजर जो भी आप यूज़ करोगे तो आपको उसी से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाएगी। यानी कि आपको स्टेशनरी से रिलेटेड कोई भी एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाएगी, आपको जो जिसकी जरूरत है उसकी आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाएगी। फिर आप भी कभी कभार कंफ्यूज होते होंगे कि यार ये तो मुझे लगने वाली चीज, ये मुझे क्यों दिखा रहा है फ्रेंड्स। आप सपोज आपके पिताजी होगी, आपकी माताजी होगी, तो उनको जब वो यूज करते होंगे तो उनको अलग टाइप के एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे होंगे, आपके टाइप के एडवर्टाइजमेंट उनको कभी नहीं दिखाए जाएंगे फ्रेंड्स। आप उनको सपोज आपके माताजी होंगे, पिताजी होंगे, उनको कभी स्टेशनरी से रिलेटेड या स्टूडेंट के रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो कभी उनको शो नहीं की जाएंगी। फेसबुक, व्हाट्सअप, गूगल पे जो भी सर्च करेंगे उनको उनके टाइप के जो चीजें होंगी वो उनको एडवर्टाइजमेंट में दिखाई जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो कंपनी है, ये बड़े बड़े कंपनी है व्हाट्सअप को, फेसबुक को हायर करती है और लोगों का जो पर्सनल डाटा होता है वो निकालती है, और वो बेचने के बाद इनको जो व्हाट्सअप होगा, हाइक होगा, उनकी कमाई यहाँ से होती है फ्रेंड्स। मतलब जो आप बड़ी बड़ी जो भी आप मतलब कंपनीज होती है, सपोज अमेजोन ने यहाँ पे इतना व्हाट्सअप से डाटा खरीद लिया, तो अमेजोन को क्या होगा कि जब उनको जब कोई प्रोडक्ट बेचना होगा तो वो डायरेक्टली उस पर्सन तक या उस बंदे तक डायरेक्टली पहुँच पाएंगे जिसको उसकी ज़रूरत होगी। सपोज आपको ट्रिमर की जरूरत हो नहीं होगी और आपको ट्रिमर का एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा फ्रेंड्स। वो एडवर्टाइजमेंट जो जिसने पैसे लगाए होंगे उनका जो पैसा होगा वो बर्बाद हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि उस पर्सन को उससे कुछ लेना देना ही नहीं, उसको वो लेना ही नहीं है, तो वो एडवर्टाइजमेंट उनको दिखा के कुछ फायदा होगा ही नहीं फ्रेंड। तो ऐसा ही इनका सब कुछ काम चलता है फ्रेंड्स, और इनसे ये सभी ऐसी चीजें करने के बाद ही व्हाट्सअप, हाइक, जो भी मैसेंजर आपको फ्री में यूज करने में मिलती है उनकी वहां से कमाई होती है फ्रेंड। तो इनके जरिए मतलब इनका जो कमाई का जो आप साधन है फ्रेंड्स, वो आप ही हो, आप में जो हम जो सर्च करते हैं इंटरनेट पे, देखते रहते हैं, जो इंटरनेट पे लोगों के साथ बातें करते रहते हैं, उनके ज़रिए इन सभी को पता चल पाता है कि एक्चुअली आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और आपको क्या चीज़ें पसंद है फ्रेंड। उसी के चलते इनको पता चल जाता है और वो बड़ी बड़ी कंपनी को हमारा डाटा भेज देती है, और फेसबुक हो रहा, व्हाट्सअप रहा, तो आपको उसी टाइप के एडवर्टाइजमेंट आपको वहाँ पे दिखाई जाते हैं फ्रेंड्स। आपने अक्सर अमेजोन पे कुछ भी सर्च किया होगा तो उसी के सिलसिले में आपने सपोज उसको परचेस नहीं किया, ओनली कार्ट में ऐड कर दिया, आपने सर्च किया, तो जब भी कभी आप फेसबुक यूज करोगे तो फेसबुक पे आपको उसी के चलते एडवर्टाइजमेंट दिखेगी, दूसरे एडवर्टाइजमेंट आपको वहां पे नहीं दिखेंगे, क्योंकि हमें वो मजबूर कर देती है कि आपको ये चीज लेनी है और आपको इसको खरीदना है। और बार बार हम जब उस चीज को देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि चलो यार आज इसको खरीद ही लेते हैं। तो फिर इसमें फायदा किनका होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनका माल बेचता है और उनका इसमें फायदा होता है फ्रेंड। तो आपको मैंने जो भी जानकारी दी फ्रेंड्स आज, वो सब कुछ आपको समझ आई होगी फ्रेंड्स, और ऐसी जानकारी आपको और भी चाहिए होगी तो पीवी न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही नॉलेज भरी वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ फ्रेंड्स, और आपको अच्छी सी जानकारी आपको समझा के देते रहता हूँ फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाजू में जो घंटे का आइकन दिख रहा है उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलना फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं ऐड करूंगा उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम अगले वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।